Yesterday we have done grammar part of chapter 1. Today we will do a paragraph. It is शिष्टाचार. Let us start. शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा आचरण. आचरण means character. Means character होता है कि जैसे किसी person, कोई person है उसमें कौन सी qualities हैं, कैसा है, कौन सी अच्छी अच्छा behavior है उसका, कौन सी अच्छी बातें हैं उसमें. शिष्टाचार से ही व्यक्ति की पहचान होती है. शिष्टाचार व्यक्ति को महान बनाता है. इसलिए हमें जीवन में अच्छी आदतें पैदा करनी चाहिए. हमें जीवन में अनुशासित, अनुशासित मींस डिसिप्लिन, में अनुशासित होना चाहिए. किसी और की चीज़ें लेने से पहले उसकी अनुमति मींस परमिशन लेनी चाहिए. हमें अच्छी किताबें पढ़नी, शारीरिक व्यायाम, एरोबिक्स, योग आदि करना चाहिए. हमें ज़रूरतमंद की सहायता भी करनी चाहिए. अच्छे शिष्टाचार हमें समाज में सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट दिलाने में मदद करते हैं. किसी से झूठ बोलना, झगड़ा करना, अपनी गलतियों को स्वीकार न करना आदि अशिष्टाचार की बातें हैं. मीन्स एक अच्छे करेक्टर वाला पर्सन कौन होता है, जिसमें अच्छी हैबिट्स हों, अच्छे मैनर्स हों, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करनी, एरोबिक्स करना, योगा करना, ये सभी उसमें अच्छी बातें होनी चाहिए. और अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है और अपनी गलतियों को भी नहीं मान रहा, ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये अशिष्टाचार की बातें हैं. अशिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का विलोम शब्द. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज शिष्टाचार. सेकेंड डिफिकल्ट वर्ड इज व्यक्ति. नेक्स्ट इज अनुशासित मीन्स डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज अनुमति मीन्स परमिशन. नेक्स्ट शारीरिक व्यायाम मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जरूरतमंद. नेक्स्ट इज गलतियों. एंड लास्ट इज अशिष्टाचार. Revise this paragraph and try to write these difficult words and write it in your notebooks. Thank you.